भगवान सतगुरु तेरा यार। ओ खिलो खुश थी नचो कदी थी आयो, खिलो खुश थी नचो कदी थी आयो, आयो आयो सावन शाम आयो, खिलो खुश थी नचो कदी थी आयो, खिलो खुश थी नचो कदी थी आयो, आयो आयो सावन शाम आयो, आयो आयो सावन शाम। वणे पई सभ खे इहा प्यारी सूरत, जेको प्रेम सां हिकिड़े आयो, जेको प्रेम सां हिकिड़े आयो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो, खिलो खुश थी नचो कदी आयो, खिलो खुश थी नचो कदी आयो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो। पाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ पाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ बणे पई सभ खे इहा प्यारी पाणी, थींदो संगत जो लायो सचायो, ओ थींदो संगत जो लायो सचायो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो, खिलो खुश थी नचो कॾहिं आयो, खिलो खुश थी नचो कॾहिं आयो, आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो। सूरत आहे मुहिंजी मूरत,
पते या प्यारी सूरत आ सुनी सूरत आए मोरी मूरत ओ सुनी सूरत ओ बने पई सब ते या प्यारी सूरत ओ जेको प्रेम सा है तेरे आ आयो ओ जेको प्रेम सा है तेरे आ आयो 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 सावन शाह आयो 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 ओ किलो कुछ ती नचो गदजी आयो ओ किलो कुछ ती नचो गदजी आयो आयो सावन शाह आयो प्यारी बारी ओ बारी जिंदगी आए दाढ़ी मिठी ओ बारी जिंदगी आए ओ बड़े पई समझे या प्यारी बारी ओ सिंदो संगत जो लायो सजायो सिंदो संगत जो लायो आयो आयो सावन शाह आयो 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 ओ खिलो कुजते नचो गदजी गायो खिलो कुजते नचो गदजी गायो आयो आयो नोटाणा तो मना हां भाई नोटाणा दान दान सतगुरु दे हां जी इकट्ठे कर जनन दे हां
हर के दास सुहेले हर के दास सुहेले भाई हर के दास सुहेले भाई अच्छा चो हां ले आ कितने हां ले आ सुनो भाई हाय हाय हां हां ले आ ले आ ले उतना कोई ऐसी उन चोट लगी फिर उसमें जो सच्ची गल निकली है चलो आज ला सुनो भाई सारे बैठो अस भी इत बहने खुदा ने क्या बनाई है सुनी सूरत सावन शादी हुआ आशिक जिसने देखी हुआ आशिक जिसने प्यारी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शादी हुआ आशिक जिसने दे हुआ आशिक जिसने प्यारी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है हुआ
आशिक जिसने देख हुआ आशिक जिसने देख प्यारी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या बनाई है। लखा शकला तकिया अखियां ने कोई नजर मेरी बिच खूब दी नहीं ऐसा वन दीन दयाल मेरे नाम तेरा ले बेड़ी डूब दी नहीं तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी है जली खेतियां तूने सर सबज की है खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शादी हुआ आशिक जिसने देख हुआ आशिक जिसने देख प्यारी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या बनाई है। किसी काफर ने पूछा था खुदा की कैसी सूरत है खुदा की कैसी सूरत किसी काफर ने पूछा था खुदा की कैसी सूरत है खुदा की कैसी सूरत है खुदा से ये आवाज आई खुदा से ये आवाज आई मेरी सूरत सावन शादी खुदा से ये आवाज आई खुदा से ये आवाज आई मेरी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या बनाई खुदा ने क्या बनाई सोनी सूरत सावन शादी हुआ आशिक जिसने देख हुआ आशिक जिसने देख प्यारी सूरत सावन शादी खुदा ने क्या बनाई फरिश्ते जब ही रोकेंगे गुनाहगारों तेरे जन्नत फरिश्ते जब ही रोकेंगे फरिश्ते जब ही रोकेंगे ये होगा हुक्म जाने दो ये होगा हुक्म जाने ये है संगत सावन शादी ये होगा हुक्म ये होगा भाई सारी साध संगत प्रसाद लेके जावे दुर्गा दास दुर्गा दास लाला दुर्गा दास जी आले आप प्रसाद लेके जाओ नाना भी प्रसाद ले जाओ आ दूजा होर ले जाओ ये डबल ले जाओ डबल हुक्म जा
ये होगा हुक्म जाने दो, ये है संगत सावन शाती, ये है संगत सावन शाती। हुआ आशिक किसने देखी, हुआ आशिक किसने देखी, प्यारी सूरत सावन शाती, खुदा ने क्या बनाई, खुदा ने क्या बनाई, सोनी सूरत सावन शाती, खुदा ने क्या बनाई। यूसुफ पर तो आशिक थी, जुलेखा ही यूसुफ पर तो आशिक थी, जुलेखा ही खुदा खुद उनके आशिक है, खुदा खुद उनके आशिक है, जैसी दूरत सावन शाती, खुदा खुद उनके आशिक है, खुदा खुद उनके आशिक है, जैसी दूरत सावन शाती, खुदा ने क्या बनाई, खुदा ने क्या सोनी सूरत सावन शाती, हुआ आशिक किसने देखी, हुआ आशिक किसने देखी, प्यारी सूरत सावन शाती, खुदा ने क्या बनाई है। जम्मा जी महाराज गल चली अभी फोटो तो दिखाओ, जब फोटो लैन गया किसी फोटो ना मिली, पतराम दे घर मिली होगी लिपड़ी भी वो लेके आया, उन्होंने कहा भी जेडी साडे गुरु महाराज दी फोटो मंगाई गल की है, जाके तो देखा, जे जाके देखा जांबा जी महाराज रूप बने बैठे, जे एक अजैब सिंह नाल होना सी कैप्टन, वो एक कपड़े लिपड़े गए हम वो लड़िया करे नाल, वो गुरु नानक साहब नूं मानदा सी, ते जासूस ने पाकिस्तान दी है वो है, उन्हें कहा भाई मैं जाके देखा सही, जब गया तो गुरु नानक साहब रूपने बैठे, इतने फोटो ही पई है, नामधारी ने कहा तो जब नामधारी ने मौके सिर आपे बदल के गए, जिन्हों पकड़ना है सारा पकड़ लेंगे। हाँ जी ना हम जन्नत में जाएंगे, ना हम दो जख में जाएंगे, ना हम दो जख में जाएंगे, ना हम जन्नत में जाएंगे। प्राणी प्रेम जी मास्टर कहनी ओहो कहनी तुसी भागा वाले हो भाई, आने की कहने लग गई, ये तो कोई होर चीज है सानू तो पता ही नहीं लग्या, रूपे बदल गए। हाँ जी जिन्हें पकड़ना उन्हें हिसाब ना पकड़ा, ना हम जन्नत में जाएंगे, ना हम तो जग में जाएंगे, ना हम तो जग में जाएंगे।
ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆ ਕਦੇ ਪੀਲਾ ਲਾਤਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਕਦੀ ਸੰਸਤਵਰੇਗਾ ਕਹਾਇਆ ਕਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਦੀ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਤਰਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਜਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਮ ਪਰ ਮਸਤ ਹੁਆ ਹੈ ਉਸੀ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਔਰ
जी का धन्यवाद किया। गुरु अर्जन साहेब फरमाते हैं कि किसी को भी हरि की आराधना नहीं करनी आती, सारे ही हर हर या गुरु गुरु करते फिरते हैं, मगर ये किसी को खबर नहीं कि हरि रामदास बनकर आया है। हर आराधना जाना है, हर हर गुरु गुरु करता है, हर जी और नाम परे और रामदास। आपने गुरु रामदास के प्यार से ही अंदर रसाई प्राप्त की, जो प्यार आपके लिखे हुए वे पत्र साबित करते हैं, जो आपने लाहौर से जब आपको कुछ दिनों के लिए लाहौर भेजा गया था लिखे थे। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चात्र की नाई, तिरखा न उतरे सांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीव। ओ कोली जियो कोल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जीव। जब श्री गुरु नानक साहेब के चोले में सतगुर आया तो गुरु अंगद साहेब उनके प्यार से ही अंदर पहुंचे। गुरु साहेब के चोला छोड़ने पर आपने फरमाया, जिस प्यारे से उन्हें तिस आगे मर चली है, तिर्ग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। हजरत शाह बाहू का मुर्शिद मीरा था जिसमें सतगुरु काम करता था, वह फरमाते हैं, बगदाद शहर दी की निशानी, उचियां लमियां चीरा हूं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, ज्यों दर्जी दियां लीरा हूं। इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके, रलसा संग फकीरा हूं, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा, बहु करसा मीरा मीरा हूं। ईसा मसीह के सेवकों ने उसी को खुदा माना, क्योंकि उसमें खुदा आया था। हजरत मोहम्मद साहेब के सेवकों ने हजरत मोहम्मद साहेब को ही गुरु माना, उसमें खुदा आया था। खुदा एक अलग हस्ती है, परंतु संसार में जिस चोले में आकर काम करता है, उसका वही नाम इस संसार में कायम और प्रसिद्ध हो जाता है। इस तरह संसार में कितने ही खुदा या गुरु बन गए, दुनिया वास्तविकता को भूल गई। जब तक सतगुरु किसी चोले में आता है तो उनके सेवकों के लिए वही खुदा है, वही भगवान है, वही राम है। वे सारे यही कहते रहे कि इस जैसा गुरु या पीर ना आया ना आएगा, ना हुआ ना होगा, इसके बिना कोई पार उतारा करने वाला नहीं। जैसे शाह बाहू फरमाते हैं, पीर जिना दा मीरा बाहू, सोई कंधे लग दे तरके हो। इसी प्रकार धनी धर्मदास का वचन है कि धन धन सतगुर सत कबीर, भक्त भक्त पीर मिटाने वाले। और उनके चोला छोड़ने के बाद उनकी नस्लें भी यही कहती रही। इस बात को पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने एक बार साफ तौर से स्पष्ट कर दिया, जब एक साधु ने आपसे कहा कि आप जैसा गुरु ना आया ना आइंदा आएगा। इस पर फरमाया, ऐसे ना बोल, शायद इससे भी ज्यादा काम करे, मगर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया कर, इसलिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि मेरे लिए सावन शाह के बिना सब मर गए। क्या खुदा, क्या राम, क्या भगवान, क्या राधा स्वामी। आप फरमाया करते थे कि ध्यान भी सावन शाह, सिमरन भी सावन शाह, बख्शे भी सावन शाह, बख्शावे भी सावन शाह, भजन भी सावन शाह, शब्द भी सावन शाह, है भी सावन शाह, होगा भी सावन शाह, इत्थे भी सावन शाह, उत्थे भी सावन शाह, अंदर भी सावन शाह, बाहर भी सावन शाह, जपे भी सावन शाह, जपावे भी सावन शाह, बेड़ा पार लंघावे भी सावन शाह, मारे भी सावन शाह, जीवावे भी सावन शाह, तारे भी सावन शाह, साई निरंकार। इसी तरह दादू साहब फरमाते हैं, तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, तुम ही पूजा तुम ही सेवा, तुम ही पाती तुम ही देवा, योग जग तू साधन जाप, तू ही मेरे आपे आप।
ਤਪ ਤੀਰਥ ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਸਨਾਨਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਗਿਆਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਧਿਆਨਾ, ਵੇਦ ਭੇਦ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨਾ, ਦਾਦੂ ਕੇ ਤੁਮ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਹਮਾਰੇ, ਸੇਵਕ ਸੁਤ ਹਮ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਭਗਤੀਹੀਨ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਭਾਈ, ਤੁਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਹਾਈ, ਤੁਮ ਹੀ ਤਾਤੰ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਤੰ, ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਤੰ ਤੁਮ ਹੀ ਨਾਤੰ, ਕੁੱਲ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਦਾਦੂ ਕਾ ਤੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਪ੍ਰਾਇ ਦੇਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਪਰ ਤੋਂ ਸਭੀ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਬ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਡੀ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨਕੇ ਸੇਵਕੋ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਦਮੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨ ਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਏ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੀਆ, ਤੁਮ ਸਿਰਸਾ ਮੇ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੋ ਪੂਜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆ, ਬਚਨ ਪੂਜੈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ। ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜਾ ਥਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਮੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮਸਤਾਨਾ ਬੋਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਬਣੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਭਰਪੂਰ, ਤੁਲਸੀ ਬਣੇ ਜੋ ਔਰ ਸੇ ਤਿਸ ਬਣਵੇ ਪਰ ਦੂਰ। ਯਦਿ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਰੂਹ ਕੇ ਸਭੀ ਪਰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮੇ ਉਤਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਮ ਕੋ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਮਾਈ ਵਾਲੋ ਨੇ ਜਨਮ ਲਗਾ ਦੀਏ, ਵਹਿ ਕਾਮ ਮਿੰਟੋ ਮੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਐਸਾ ਆਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਸੱਚਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕੇ ਸਿਵਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੇ ਦਰਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨੋ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਆਗੇ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਿਲੇਗੇ। ਮਗਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲੇਗੇ, ਮਗਰ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਕੇ ਇਸ਼ਕੇ ਕਮਾਣੇ ਕੀ ਯੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਦੇ ਐਸੇ ਟੂਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੱਥਰ ਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਰਰਾ ਜਰਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਰ ਇਤਵਾਰ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇਗੇ। ਸਾਰ ਸਾਧੂ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਮੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤਿਨਕੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੇ।
यहाँ ये प्रश्न पैदा होता है कि यदि संत चोला छोड़ जाएं, तो उनके सेवकों को क्या नए सतगुरु के स्वरूप से दीक्षित होने की जरूरत है? क्या अब नया स्वरूप ही उनकी संभाल करेगा? यह याद रखने वाली बात है कि गुरु एक ही है, जो शब्द है। गुरु कभी मरता नहीं, वह अविनाशी पुरुष है। वह हमें समझाने तथा रास्ते दिखाने के लिए संतों का स्वरूप धारण करता है। जब जीवों को चिताता है तो उसी स्वरूप में उनके अंदर बैठ जाता है, वही स्वरूप उनकी अंदर संभाल करता है। सेवक दूसरे महात्मा जिन्हें वह अपना उत्तराधिकारी कायम कर जाए की सोबत करें, परंतु अंतर्मुख ध्यान उसी स्वरूप का करें जिससे नाम दान प्राप्त किया है। ऐसी सोबत अख्तियार करें जहां भजन सिमरन का शौक पैदा हो, अपने सतगुरु के स्वरूप की याद बनती रहे और उसी का प्यार मिलता रहे। उसे दोबारा किसी और फकीर से दीक्षित होने की जरूरत नहीं। संतों के चोला छोड़ने पर जीव आम तौर पर धोखे में आ जाते हैं, फिर बहुत दुख उठाते हैं। एक सच्चा फकीर कभी किसी को दोबारा दीक्षित होने के लिए नहीं कहता, ना ही ये कहता है कि तुम्हारी संभाल नए चोले द्वारा होगी, तथा ना ही उनको इस तरह करने देता है। प्रेम केवल प्रेम के लिए ही हो, सच्चा प्रेम वही है। बस क्यों भाई, ठीक है, इन्होंने तालीम लिखी है। अगर इतनी ताकत प्यास में आई तो हमेशा को प्रकट किसने किया? बाबा जयमल सिंह नवा मेंबर था राधा स्वामी कमेटी का, तो नवी मेंबरी उनको वापस दे दी कि हम राधा स्वामी के मेंबर नहीं रहेंगे, जाके अपने नाम की कमाई किया। नवा मेंबर था राधा स्वामी कमेटी का। अच्छा, हमारी राधा हमारा स्वामी, हमारी सुर हमारा शब्द, हमारी आत्मा हमारा परमात्मा, हमारी रूह हमारा रक्त जोड़ा किसने? ये तो पहले ही था, उसके होते हुए नरकों में गए करोड़ा जन्म, और ये मस्ताना शाह की ताकत है जो व्यास को प्रकट किया। और सब घर से निकलते हैं, कहते हम व्यासी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई व्यास वाला व्यासी, आप कहाँ से व्यासी? व्यास वाले के क्लास में पढ़े हैं, वो व्यास वाला है, तुम्हारे से तो कई करोड़ अवगुण है उसमें, अवगुण नहीं। इतनी ताकत ये शाह मस्तानी की है जो कामन शाह को प्रकट किया। जब मक्खन शाह ने गुरु को प्रकट किया तो उसका काला मुखिया, और फिर भी कोठे से चढ़ के पीछे नहीं हटा। और इतने सावन शाह के हैं, कोई बताए तो सही, धन शाह थोड़ नहीं बोलो तो शिप चढ़, क्या चढ़ दिए? शिप। तो ये राधे राधे सबको ही कहना, सुनू कौन राधे, इस राधे दे कारण कई खड़े हैं राधे। इसका नाम आराधना था वो तो है, और जिन्होंने किया वो मुझसे दूसरा। जब बोला कि भाई सब मर गए तो हमको गैरत है, और ये जो हमारा साल तमूरा है तो ये बलोचिस्तान से ये कानून चालू है, बाकी भी नहीं। जितने भी बाकायदे महाराज के व्यास के हैं उसी की ये हिम्मत नहीं है कि ये बाजा और ढोलक लेके और सतगुरु का नारा लगा, ये किसी का काम। क्या संत पंजी पास ही का नहीं है कि आओ उम्मीद यारे मंगल गांव हो नारे, सब सखियां मिल मंगल गांव हो नारे, कहा है कि नहीं? ये मन नाचे सतगुरु आवे, जैसे बांदरी बांदर नचता है जब उसको नचाने वाला, ऐसे कैसे नचेगा?
सतगुरु के आगे जो सिख है जब अपना खुद वेच दिया तो वो नाचेगा नहीं, तो पहले ही दो क्लास को जोड़ दी। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा कि जो कुल लाज जगत से डर ले, गुरभक्ति से वो पिन गिर ले, ये सही मलाम जगत की मिली रात सुख घर। बरसाने महीने की परवाह नहीं किया, वो अपना काम बना दिया और जो रहेगा तो रहेगा। हजूर के आगे नाचते थे चाचा रक्षा राम जी ने, ये मस्तानी ताकत थी जो व्यास को प्रकट किया। राधा स्वामी हमारा आगरे में से कोई पहले कहे, हमारे पास राधा जी का पुत्र, मैं उनसे कहा कि ये और बड़ा स्वामी जी महाराज हम कभी आंखों से नहीं, बराबर हम उनकी इज्जत करते हैं। कोई सब कहता है हम दादे का दादा है, फिलाना है, हाथ समुद्र में मेरा गिरता था, कहता है जो असुल है वो हाथ दे, हाथ पकड़ू नहीं तो नहीं पकड़ू। तो ये सवाए सच्ची ताकत से दूसरा गुरु भी ऐसा तो जेला भी ऐसा, गुरु भी दुर्लभ जेला भी दुर्लभ, कहीं भाग से मेल मिला, ये सब नहीं मिलता। अच्छा जब वक्त की ताकत आती है तो ख्याल फिर जाता है, जो गुरु एक ही है आज से लेकर, हमारे से कई मिलते भाई आद गुर एन महलवाद गुर एन, वो किधर गया आद वाला गुरु किधर गया? ये तो जब वक्त का संत सदगुरु आता है तब आदि गुरु का मालूम पड़ता है कि वो लफ्ज तो है। इतनी मजालत अभी ये मैनेजर साहब की बड़ी मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर, खुद जागते हैं और आपको जगाते हैं। हम तो कहते हैं कि ये अभी उठे तो अब खंगोरा मारना चालू कर। आखिरी नतीजा ये है कि मालिक की प्राप्ति के लिए भजन सिमरन से ज्यादा जरूरत उन साधनों के धारण करने की है जिनसे हमारे अंदर संतों का प्यार पैदा हो। संतों के साथ प्यार पड़ जाने से संसार से नफरत पैदा होने लगती है और मनुष्य बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा वैरागी बन जाता है। संतों का प्यार मालिक से प्यार पैदा करने का तरीका है जिससे मालिक से मिलने की तड़प पैदा होती है जो जीव को भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करती है। जीव बेचारा भजन सिमरन करता है परंतु उसके भजन सिमरन की सीमा कहाँ तक है? आखिर रोता चिल्लाता और अरदास करता है, ये रोना चिल्लाना और अरदास करना ही मालिक के मिलाप का साधन है। रात दिवस का रोवना पलक पहर का नाए, रोवत रोवत मिल गया अपने साहिब माए। ये उसी समय होता है जब दुनिया से पूरी नफरत हो जाए और मालिक का पूर्ण प्रेम जाग उठे, सभी आंकड़े और अहंकार निकल जाए, कोई आसरा ना रहे, कोई चारा ना चले, जीव अति निमाना होकर सतगुरु के चरणों में गिर पड़े और सच्चे दिल से विनती करे। ये काम संतों की मेहर और बख्शीश से ही हो सकता है। होए निमाणी टह पई मिलिया सह सवाए, पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय। वचन पूजे परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। भजन मंडली से मस्ताना ने सीखा कि सतगुरु का वचन और भजन सिमरन किसी से नहीं बन सकता और ना कोई कर सकता है, और रात को दिन को अंदर में पछताना और रोना कि ऐ मालिक असी तुम्हारे सामने कई युग पाप करते आए हैं, सो असी ऐबदार हैं गुनाहगार हैं तुम्हारे आगे, और तू सतगुरु जिस तरह इस जेल से होवे छुड़ा ले, और हमारी हिम्मत कुछ नहीं कर सकती और ना असी हैं, असी झूठ बोलते हैं कि ये सब तन और कुटुंब मेरा है। भजन मंडली में सीखा
कि सतगुरु सावन शाह से बिना कोई नहीं मेरा संगी। अगर जो नाम है तो वो भी सतगुरु ने देखा है, वो भी जोर लगावे तो मुझको गौ नदी से नहीं छुड़ा सकता है। छुड़ाने की ताकत एक सतगुरु सावन शाह निरंकार को है, निरंकार की है। उनको तब सतगुरु छुड़ाएगा। सतगुरु सारे उन्होंने वास्त ने जुड़ो ठाकुर के वास्त ना आवे, हर सो कुछ करे हर के संत पावे। गीता लोड़न सोई कराएंदा फिर न कोई पाएंदा। हाँ जी, उनको तब सतगुरु छुड़ाएगा जबकि भजन मंडली की हिदायत माने। क्या हिदायत है? कि रात दिन यही सबक पकावे, घर भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मैं सारी उम्र पाप कमाया, मेरे को बख्श, मेरा इक्को तू है। भजन मंडली ये पहला नुक्ता पकाया है कि हर वक्त आपको सतगुरु के आगे दीन रखे। सतगुरु आपे नाम को ल्यावेगा जिसने इस तन के अंदर देखा है। असि सतगुरु को पकड़े खास कोठड़ी जाए, राम नाम रतन कोठड़ी कड़ मंदिर एक लुकाने कड़ो। ये मंदिर है, इधर खास किला है, किले ची कोठड़ी है, उधर बिच है। कौन ये चीजें बाहर रख देने, ये इतने रख देने, ये कमरे च रख लेने, कई संदूकों च, कई सिफां च, सिफां दी डब्बियां च, वो भी डब्बियां च पई है कड़े। असी सतगुरु को पकड़े जो सब कम काम करने के वास्ते समर्थ है। तीन लोक में सतगुरु के बिना शून्य है, सब त्रिलोकी में फंसे पड़े हैं। नाम है ऊपर, क्या एक वीर जन गाय के सुन संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम, थले दूजा है अनंत वगैरह बना देता है। कबीर संत गया जब मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए, सुर समानी शब्द में ताको काल ना खाए, शब्द 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 भाव अंतर सार शब्द लिख लीजिए, कह कबीर जी शब्द अंदर से त्रीजे बन कीजिए। सब त्रिलोकी में फंसे पड़े हैं, कोई मान में कोई अहंकार में, ऐसी बलाओं विद्या नेकीराम का छोरा बोलता है कि असी सावन शाह सतगुरु का पल्ला पकड़ा है। वो हर तरह समर्थ है, हर बात से वो समझाता है, बचाता है, बाकी और कोई नहीं बच सकता है। सारे नौ दरों में सत्संगी होवे वे सत्संगी होवे गोता खाते हैं। जब बच्चा माता की गोद में जा बैठता है तो उसकी सब चिंताएं और फिक्र दूर हो जाते हैं और वह सब सुख और मुरादें प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिष्य जब सब कुछ नेक और बद सतगुरु के हवाले कर देता है, सुख दुख में उसकी रजा में रहता है, तो सतगुरु हर प्रकार से उनकी उसकी संभाल करता है। अनजान बच्चे की तरह जिसे अपने बुरे भले की समझ ही नहीं होती, वह शिष्य की एक माता की तरह पालना करता है। ज्यों ज्यों शिष्य का शरीर रूपी बर्तन तैयार होता जाता है, वह रूहानी बरकतों से भरता जाता है। ऐसे शिष्य को कुछ करना कराना नहीं पड़ता। सतगुरु अपनी सभी शक्तियों से उसके अंदर आकर समा जाता है। ऐसा शिष्य गुरु देहधारी बन जाता है। ऐसा शिष्य फिर गुरु अर्जन साहब की तरह कह उठता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरी किसी बुद्धि ने काम नहीं किया, मुझ पर निरोल सतगुरु की बख्शिश है। काल सियाण पुतना मेरी पूरे गुरु कुमारी है नी अगर काल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए चिंता, जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कुमानो। आया ना चिंता वही गल है। हाँ जी, नाम निदान पाया बड़ पागी, नानक नरक ना जाई, काल सियाण पुक्त ना मेरी पूरे गुरु कमाई। सतगुरु ऐसे शिष्य में बैठकर संसार में अपना काम करता है, या यूं कहो
कि ऐसे शिष्य को अपनी कार्रवाई करने की ताकत या एजेंसी प्रदान करता है। इसी प्रकार पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी अपने प्यारे मुर्शिद परम संत बाबा सावन शाह की बख्शीश का धन्यवाद किया करते थे और उसी के नाम पर डेरा सच्चा सौदा बनाया। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। धन धन परम संत सावन शाह जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदा राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया और हुक्म दिया कि मस्ताना सेवादारी बनकर काम करना, जंगल में मंगल करने वाला यही जिंदा राम है। मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का धन्यवाद क्यों करता है? फर्ज करो कि किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए, अगर कोई उसको ढूंढ कर ला देवे और फिर उस सोने से महल वगैरह बनवाए तो पहले धन्यवाद ढूंढने वाले का करे या सोने का, आप गौर करें। इसलिए मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का शुक्रिया अदा करता है जिसने जुगों जुगों से खोया हुआ और सब काम करने वाला हमारा अपना राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। बस ये ताली मनो दे हां ऐसी किताब कभी देखी है? सारी चंगी बनी हाँ जी। बस भाई हो गया एक तो है नहीं, अब बरसात के दिन उपर मच्छर पिया करे ते गर्मी पवे ते मसान जी मैंने जी बुलाओ चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखन लगे उधर लालटन कोल पे पई है, मच्छर गिरी जांदा है, दो लफ्ज लिखाया कदे इधर गल करन लगे कदे दो मिनट पर फिर लागे दो घंटे लाते मच्छर खा जांदा सारे नु ट्रेनिंग दे दे करो बूंदिया ते अंब खाने सिखाले नहीं रात नूं जग हक कट के हटांगे हां जी हर रंग बिच आप समाया है इक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप बजाना ताजा बिच मतीता पड़िया निवाजा मंदरां बिच बजाना ताजा बिच मतीता पड़िया निवाजा पंडित मौलवियां दियां सुनिया वादा किसे बताया ना असली राजा जो राजा
आज सावन शाह दर्शाया है। जो राज सावन शाह दर्शाया है एक नुक्ते बिच समझाया है, एक नुक्ते बिच समझाया है, हर रंग बिच आप समाया है, हर रंग बिच आप देश नामी तो चल आके इंसानी चोले बिच डेरे लाके, इंसानी चोले बिच डेरे लाके, देश नामी तो चल आके इंसान चोले बिच डेरे लाके, जात पात दा परम मिटाके सुरत शब्द दा भेद बताके, सावन शाह सच दे रस्ते पाया है, सावन शाह ने सच दे रस्ते पाया है, एक नुक्ते बिच समझाया है, हर रंग बिच आप समाया है, एक नुक्ते बिच समझाया है, हर रंग बिच आप बंद करने लगे जी। हाँ जी सुन भाई, अच्छा टेलीविजन चल पिया सी किथे, तू देखिया सी? हाँ जी फरवरी का महीना था, थोड़ी नजदीक थी, अभी वर्षा की वजह से सख्त सर्दी पड़ रही थी, कुछ कच्ची ईंटें निकलवा रखी थी, मुझे सुबह 3 बजे बुलाकर फरमाया अभी जाकर शहर से मिस्त्री लेकर आ, सोचा इस समय कहां मिस्त्री की तलाश करूं। नहीं नहीं वो गल चलदी है, गल सेवा दी कहन लगदे सी सेवा। हां हां जी शहर गया, 2-4 घरों में फिरा, उस समय कौन आवाज देता, एक मिस्त्री अचानक जाग रहा था और बाहर जाने के लिए तैयार था, उसको कहा और बड़ी मुश्किल से मनाया, उसने अपने भांजे को साथ लिया और हम सुबह 8 बजे डेरा पहुंच गए, उनसे एक आलीशान दरवाजा बनवाया, बाद में सेवादार 2 दिन तक तूड़ी के गारे से लिपाई करते रहे, गारा ऐसा बनवाते कि मिट्टी और तूड़ी मिलाकर 15-20 दिन में तैयार करते और दोनों समय गोड्डी होती रहती। अगले रोज इतवार का दिन था, उन दिनों में हर इतवार को सत्संग हुआ करता था, अभी लिपाई बाकी थी और रोज की तरह
रात को संगत लिपाई कर रही थी। ऊपर से वर्षा हो रही थी। लिपाई खत्म होने तक रात के 2 बज गए और संगत को अंदर बुलाया, सेकने के लिए जगह दी और बातें करने लगे और फरमाया, सुबह जब संगत आ जाए तो आप इस दरवाजे पर चढ़कर कसियों से गिरा देना। सुबह जब संगत अंदर आ गई तो दरवाजा गिराना शुरू कर दिया। एक बागड़ी आदमी पास से गुजरा जो अच्छा खानदानी आदमी था, कहने लगा, कल मैं इस दरवाजे को देखकर गया हूँ, अगर मेरे घर में ऐसा दरवाजा होता तो पुश्तों तक ना गिराता। आपने बागड़ के टिब्बों में संत मत का प्रचार करके बस और मक्खन भी चढ़ा लिया सी। याद है जब तुम ननाऊ ते गए सी लालपुरे, मक्खन अखे ओ चोला सूक्ष्म सी, ओ इत्थे किवें आउंदा, इस चोले च कम लैंदा हुण इत्थे। लिखे है हां जी, हर रंग बिच आप समाया है, एक नुक्ते बिच सम जाया है, हर रंग बिच आप बड़े दिन बारे चली है, सारे आशिक आशिक इकट्ठे हो गए, फिर मतलब नहीं चल पूंगे। कोटा आलम तेरे वर्दे, पहले तो चलती सी, फिर नवे प्रेमी वाले शरीर चलन लग जी नाल करेगी, इन्होंने हिसाब ने समझाना पैंदा। आपे नारे लाने आ सजदे कर
बादशाह बख्शन हार कहाया है। सावन शाह बख्शन हार कहाया है। एक नुक्ते बिच समझाया है। शाह बख्शन हार कहाया है। एक नुक्ते बिच समझाया है। हर रंग बिच आप समाया है। एक नुक्ते बिच समझाया है। हर रंग बिच आप ठीक है तो दोनों बजे तेरी जुल्फ दे पेच चो निकल जाए किसे मर्द दे दिल दी मजा नाही। तेरा रूप तलवार दा वार चले ऐडी किसे दे जिगरे दी टाल नाही। ताई कहना पजन गया जेड़ा सावन शाह बख्शिया जमाल तैनू ऐसा वेखिया किते जमाल नाही। उत्तम खिचेगा किवें तस्वीर तेरी ऐडा उसका हसीन ख्याल नाही। मेरे शाह मस्ताना जी तेरे दरबार में तेरे दरबार में तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। शाहों के शहनशाह शमस्ताना बलोचिस्तानी ये सब तेरी मेहरबानी थी बलोचिस्तानी। तेरे दरबार में तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। दर पे सर झुकाना
मेरा काम था सर पे सर झुकाना, मेरा काम था अब ये कर्म कमाना, तेरा काम है अब ये कर्म कमाना, तेरा काम है। बहते उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, बहते उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। शाहों के शहनशाह शमसतान बलोचिस्तानी, ये सब तेरी मेहरबानी थी बलोचिस्तानी। गुनाहगारों की यहाँ गुनाहगारों की कश्ती तिराई जाती है, गुनाहगारों की कश्ती तिराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। बैत करने में मेरा तो सौदा हुआ, बैत करने में मेरा तो सौदा हुआ, हूँ मैं तो बुरा तेरे हाथों बिका, हूँ मैं तो बुरा तेरे हाथों बिका। अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, मैं अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है। शाहों के शहनशाह शमस्तान बलोचिस्तानी, ये सब तेरी मेहरबानी थी बलोचिस्तानी। स्याह दिल वालों की स्याही मिटाई जाती है, स्याह दिल वालों की स्याही मिटाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती। और मालिक को मिलने का आसान तरीका दीनता का ग्रहण करना और संतों के साथ हद दर्जे का प्रेम करना है, क्योंकि वह मालिक दीनता और नम्रता का भंडार है। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा, अच्छे दिल से याद करे या गालियां दे, वह किसी बात का ध्यान नहीं करता, सबसे प्यार करता है, सबकी सेवा करता है, सबकी रक्षा और पालना करता है, सबका मालिक तथा हर तरह से समर्थ होते हुए और सब शक्तियों के भंडार रखते हुए भी उसने अपनी हस्ती को इस तरह मिटा रखा है कि संसार में उसका कोई निशान नहीं मिलता। जब आदमी का चोला पहनता है तो वह अपने गुण और विशेषताओं को अपने साथ रखता है, क्योंकि वह अपने गुण और विशेषताओं को हमारे अंदर पैदा करने आता है। वह दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है, मित्र तथा शत्रु सबसे प्यार करता है, सबकी निष्काम भावना से सेवा करता है। यदि कोई उससे शत्रुता करे, उसे दुख दे, तो भी उसके दिल में बदला लेने की भावना का विचार तक भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वह निर्वैर है। समर्थ होते हुए भी किसी प्रकार की खुदी अहंकार नहीं करता, इसलिए अपने आप को जाहिर नहीं करता,
साधारण लोग उसे जान नहीं सकते कि वह क्या है। वह सबको यही कहता है कि राम तुम्हारे अंदर है, खुदा तुम्हारे अंदर है, राधा स्वामी तुम्हारे अंदर है तथा सच्चा नाम तुम्हारे अंदर है। सिमरन करो, आंखों के पीछे ध्यान इकट्ठा करो, तुम्हें सच्चा नाम मिल जाएगा तथा घर का रास्ता मिल जाएगा। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि दुनिया नाम लेकर कोई सिमरन करने में लग जाता है, कोई नूर की खोज में, कोई धुन के सुनने के ख्याल में, कोई अंदरूनी स्थानों की तलाश में लग जाता है, मगर जिस चोले में सतगुरु बख्शीश करने के लिए आता है उससे प्यार पैदा करने के साधन अख्तियार नहीं करते। और जब तक उनका प्यार दिल के अंदर नहीं बसता, मन को खा 10-10 घंटे भजन पर बिठाओ, ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका ये मतलब नहीं कि भजन सिमरन बिल्कुल छोड़ देना है, मगर भजन सिमरन भी तभी हो सकता है जब मुर्शिद का प्यार दिल में बस जाए, क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उनकी सूरत हर वक्त सामने रहती है, जो हमें दुनिया के सब ख्यालों को निकालने में सहायता करती है और हमारी हृदय रूपी जमीन को भजन सिमरन के लिए तैयार करती है। यही श्री हजूर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज अपने सार वचन नसर में फरमाते हैं कि अव्वल मुख करके सतगुरु की प्रीत करनी चाहिए, जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त होगा, और जो नाम और सतलोक की खोज में लगा है सतगुरु से प्रीत नहीं है तो खाली रहेगा। मुख प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। इसी तरह बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी को लिखा है, तुसा लिखा के दर्शन की इच्छा दिन रात रहंदी है, सोए भजन है ते दर्शन दा फल तुसा नूं हुंदा रहंदा है, ते सतगुरु नाल प्रीत करनी सो भजन है, सो भजन है जी, छेती सचखंड पहुंचोगे यका बदम जी। फिर चिट्ठी नंबर 19 में साफ जाहर करते हैं, तुसा लिखा के दर्शन वास्ते मछली की तरह तड़प रहा हूं, सो इसी तरह हुक्म है, ज्यों-ज्यों प्रीत सच्ची अंतर में सतगुरु नाल होवे तो दर्शन की चाह सच्ची होवे तो जानो 100-100 वर्ष भजन करन नाल ऐसा शुद्ध नहीं हुंदा है। देखिया हां हां नन दिच कट के छटे ने सतगुरु ने हां जैसा सतगुरु के दर्शन की चाह सच्ची नाल शुद्ध हुंदा है। तो पढ़े तो पता लगे भी की लिखे साफ जाहिर है कि सतगुरु नाल प्रीत करना ही भजन सिमरन की नीम है और मुख्य करनी है, जो हृदय रूपी जमीन को साफ करती है, और भजन सिमरन करने और नाम या सतगुरु को प्रकट करने के काबिल बनाती है। खुदा राम नाम सत नाम तथा राधा स्वामी सब के सब पहले ही हमारे अंदर मौजूद हैं। हमने पहले ही लोगों से उनके बारे में सुना हुआ है और ग्रंथों तथा शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। वे सब हमारे ख्याली इष्ट हैं, मगर संत दिखा देते हैं। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, दास पलटू कहे राम ना जानू, जानू संत जिन जगत तारा, हर से तू मत हेत कर, कर जन कर हर जन से हेत, माल मिलक हर देत है, हर जन हर ही देत। जिस चोले में मालिक बख्शीश करने आता है वह संत है, वह सच्चा अवतार है जो संसार का दौरा करने के लिए अपने देश से आया है।
वह खुदा देहधारी है जिसमें वह खुद आया हुआ है। वह राम देहधारी है, देखने में इंसान है मगर घट घट में रमा हुआ सर्व व्यापक है। वह राधा स्वामी रूहों का मालिक इंसानी जामा पहनकर अपनी तड़पती और पुकारती हुई रूहों की संभाल करने आया है। वह शब्द या नाम देहधारी है जिसके द्वारा अपने शब्द या नाम रूप की बख्शीश करने आया है। इसलिए कहा है जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। पलटू ए है प्राण पर आद सेती और अंत संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। मालिक प्रेम है और प्रेम ही मालिक है। वह प्रेम देहधारी है जिसमें बैठकर तड़पती हुई रूहों को अपना प्रेम बख्शने आया है। वह दाता देहधारी है और अपनी दाते बख्शने आया है। वह बख्शनहार देहधारी है हमारे युगा युगांतरों के अपराध बख्शने आया है। वह दीन दयाल देहधारी है